नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मसूद अजहर पर प्रतिबंध, तीसरी स्ट्राइक, पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई है। पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 3 मई को राजस्थान के करौली जिले के हिंडौर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहाँ उन्होंने चक्रवात फोनी से जूझ रहे राज्यों के राहत राशि जारी करने की बात कही। वहीं उन्होंने आतंकवाद को लेकर कांग्रेस पर हमला किया। हालांकि राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव है और पहले चरण में 13 लोकसभा सीट पर 29 अप्रैल को चुनाव हो चुका है, जबकि 12 सीट पर 6 मई को वोटिंग करवाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने चुनावी सभा में कहा कि आज जब हम सब यहां एकत्रित हुए हैं, तो उस समय देश के पूर्वी और दक्षिणी तट पर रहने वाले लाखों परिवार भीषण चक्रवात का सामना कर रहे हैं। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी की सरकारों के साथ केंद्रीय सरकार लगातार संपर्क में है। गुरुवार को ही हम इस चक्रवात से जूझ रहे राज्यों के लिए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी कर चुके हैं। NDRF, कोस्ट गार्ड, भारतीय नौसेना और थल सेना पूरी मुस्तैदी के साथ प्रशासन के साथ जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, तो 2 दिन पहले ही भारत के बहुत बड़े दुश्मन मसूद अजहर को दुनिया की सबसे बड़ी संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है। पाकिस्तान में बैठा आतंकियों का ये आका कई बरसों से भारत को घाव पर घाव दे रहा था। पीएम ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान और आतंकवादियों के मसूबों पर ये तीसरी बड़ी स्ट्राइक हुई है। जब आप बताइए पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई है या नहीं। आतंक और आतंकियों से निपटने के कांग्रेसी तरीके और भाजपा के तरीके की तुलना नहीं हो सकती है। याद करिए, कांग्रेस कहती थी कि हर एक आतंकी हमले को रोकना मुमकिन नहीं है। मोदी ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो आतंकी हमले रोजाना की बातें थी। कोई भी शहर कांग्रेस के कार्यालय में सुरक्षित नहीं था। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।